नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता प्रकाश, हाजिर हुए एक नई अपडेट लेकर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज से अपना चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुँच चुके हैं। सबसे पहले वह पटना पहुँच कर पटना स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और भगवान का आशीर्वाद लिया। सबसे पहले वह पटना पहुंचने के बाद बोधगया में जाएंगे। बोधगया में सबसे पहली रैली को संबोधित किया जाएगा। प्रचार प्रसार तक वह पटना में ही रहेंगे, साथ ही साथ यहां से वो सारी चीज़ों का कमान संभालेंगे। आपको बताते चले कि वह पटना में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वह कदम कुआं जाएंगे और वहाँ चरखा समिति भी पहुँचेंगे। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें करने के बाद जेपी नड्डा बोधगया जाएंगे और वहाँ पर पहली रैली को संबोधित करेंगे। इसी संबंध में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हुए कहा कि बोधगया में रैलियाँ संबोधित की करने के दरमियान वहाँ पर कुर्सियाँ तो लगी रहेंगी लेकिन लोग मौजूद नहीं रहेंगे। जितनी भी बातें होंगी, जितने भी चीज़ों को संबोधित किया जाएगा वो सोशल मीडिया के जरिए प्रसारण किया जाएगा। बताते चले कि हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उनके साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई बीजेपी के नेता उनके साथ मौजूद रहे। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होने वाला है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।